हाय दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन। तो बैठे बैठे मैं ऐसे सर्च कर रहा था किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो मैंने एक टॉपिक देखा जो कि काफी पॉपुलर हो रखा है, सीपी वर्सेस हिकविजन या दहुआ वर्सेस हिकविजन या दहुआ वर्सेस सीपी प्लस। तो काफी कस्टमर हैं जो नया डीवीआर लगाने की सोच रहे हैं और वो कंफ्यूज हैं कि सीपी प्लस लगाएं कि दहुआ लगाएं कि हिकविजन लगाएं, तीनों में बेटर कंपनी कौन सी है, क्योंकि मेजर ये तीन कंपनी है जो कि काफी पॉपुलर है, काफी सीसीटीवी में नाम कर चुकी है, ऐसे लोकल में टीवीडी भी काफी चल रहा है। लोकल का मतलब कि लोकल तो नहीं है, जैसे सीपी प्लस चाइना से आता है वैसे टीवीडी चाइना से आता है, तो टीवीडी के नाम पे काफी है, दिल्ली में तो काफी चलता है, बट दिल्ली से बाहर का मुझे आइडिया नहीं है। तो जो पॉपुलर क्वेश्चन थे वो ये था, हिकविजन वर्सेस सीपी प्लस कौन सा डीवीआर बेटर है। तो मुझे लगा शायद मुझे अपनी राय देनी चाहिए, हो सकता है कि राय बाकी लोगों से मैच ना करे, मैक्सिमम लोगों से मैच ना करे, क्योंकि जो मैक्सिमम रिव्यूज है वो ये थे कि हिकविजन बेटर है सीपी प्लस से। लेकिन ये मेरी सोच नहीं है, मैं इससे अपोजिट सोचता हूँ कि मुझे सीपी प्लस ज्यादा बेटर लगता है हिकविजन के। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा आज, कुछ एक मैं अपने व्यू बताऊंगा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हिकविजन ज्यादा बेटर नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिकविजन के प्लस पॉइंट की। हिकविजन काफी पुरानी कंपनी है, सीपी प्लस अब आया भी नहीं था जब से हम हिकविजन में डील कर रहे हैं, मतलब मुझे शायद से काम करते करते एक दिन में 10 साल से ज्यादा टाइम हो गया है। सीपी प्लस तो रिसेंटली मैं 3-4 साल से डील कर रहा हूँ, बट पहले की जो पॉपुलर कंपनी है वो हिकविजन है। पहले मेड इन ताइवान करके बेचते थे उसे, अब चाइना में इम्पोर्ट होता है, लेकिन क्वालिटी उनकी काफी अच्छी है। तो हिकविजन का नाम बहुत है, उनकी क्वालिटी काफी अच्छी है, उनकी सर्विस की बात करूं तो सर्विस से मैं इतना सेटिस्फाई नहीं हूँ, दिल्ली में तो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, कि अगर दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है डीवीआर में कैमरे में, तो उसके लिए काफी ज्यादा टाइम लेते हैं, एटलीस्ट 15-20 दिन लग जाते हैं उसकी रिप्लेसमेंट या उसको रिपेयर करने में। रिप्लेसमेंट तो करते नहीं है, रिपेयर ही करते हैं, तो 15-20 दिन का टाइम ले लेते हैं। तो ऐसे में जो डीलर होता है, जो एंड डीलर होता है, जो इंस्टॉल करता है कस्टमर के यहाँ पे, वो काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि 15-20 दिन कस्टमर को रोकना, क्योंकि हम ऑर्डर लेते वगैरह बोल रहे हैं कि सर अगर खराबी आएगी तो 15 दिन लगेंगे तो ऑर्डर मिलना ही बंद हो जाएगा, तो कस्टमर को ये कैसे बोल दें कि आपको कम से कम 15-20 दिन लगेंगे, मतलब अगर डीवीआर में प्रॉब्लम आई है तो हम उसको ये बोले 15 दिन बाद आपका रिपेयर होके आएगा, और उसके लिए भी हमें ओखला छोड़ के आना, ओखला से लेके आना, तो काफी डिफिकल्ट होता है ये चीज। तो ऐसा नहीं है कि ये दिक्कत सीपी प्लस में नहीं है, सीपी प्लस भी ऑलमोस्ट सेम है सर्विस के मामले में, 15-20 दिन अगर आपको सर्विस चाहिए, अगर आप सेकेंड डीलर हो थर्ड डीलर हो तो आपको इतना टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जिससे आप सामान लेते हो आप उसको सामान दोगे, फिर वो अपने हिसाब से उसको आगे बेचता है, वो अपने हिसाब से आगे बेचेगा, फिर वहां पे टाइम लगता है, वहां से वो रिपेयर करते हैं, उसको वापस करते हैं, तो हमें अगर उनका प्रोसीजर हफ्ते का है तो हमें ऑटोमेटिकली वो चीज 12 दिन में मिलती है। तो सर्विस की बात तो दोनों की बराबर है, मतलब सर्विस में दोनों बराबर है, लेकिन हिकविजन में मुश्किल क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूँ, हिकविजन के माइनस पॉइंट है बताता हूँ। हिकविजन में आपका जो उसका मेन्यू है, जो आपको रिकॉर्डिंग चेक करनी है, जो आपके उसके फंक्शंस हैं, वो यूजर फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है, मतलब काफी डिफिकल्ट है, कोई भी चीज करनी है तो आपको काफी डिफिकल्ट करना पड़ेगा, मतलब फंक्शन है डिफिकल्ट है उसके। अगर आपने डीवीआर का पासवर्ड रख दिया कुछ और आप वो भूल गए हैं, आपको उसको रीसेट करना है, तो वो सबसे मुश्किल काम है आपके लिए, मतलब अगर आप टेक्निकल साउंड है, अगर आप टेक्निकल काम कर सकते कंप्यूटर में तो आप कर सकते हैं, वो भी बहुत बड़ा प्रोसीजर है उनका, कम से कम आपको आधे से एक घंटा देना पड़ेगा, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपको सॉफ्टवेयर में से वो की इंस्टॉल करनी पड़ेगी, देन आपको मेल करनी पड़ेगी, देन मेल आएगी तो फिर आपको दोबारा से कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो उसकी वीडियो बनाई हुई है मैंने वैसे तो कि कैसे आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको फोन पे कॉन्फ़िगर करना है तो वो भी कोई सिंपल रखा नहीं, वो भी डिफिकल्ट किया हुआ है। और इनकेस अगर आप डीवीआर का पासवर्ड, जो उसमें होता है क्या है कि आपने अगर एक फोन पे इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है, मतलब आपको जो डिवाइस है, जो डीवीआर का सीरियल नंबर है, वो आपको रजिस्टर करना पड़ता है, अपने जो रजिस्टर आप अकाउंट करेंगे उसमें आपने रजिस्टर कर लिया। अब रजिस्टर करने के बाद अगर आपका पासवर्ड भूल गए तो दोबारा से बहुत मुश्किल प्रोसीजर है, आपको अनबाउंड की मेल करनी पड़ेगी, आपकी डिवाइस अनबाउंड होगी, तो वो सब कुछ सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से कर लेंगे सारी चीजें, अगर आप कर चुके हैं तो आपके लिए इजी होगा, बट आप नहीं किया हुआ तो आपकी काफी डिफिकल्ट चीज है ये। इसके अलावा अगर आप डिवाइस ऐड कर चुके हैं, सपोज कई बार हम चेक करने के लिए अपने फोन पे ऐड कर लेते हैं,
अब अगली बार कस्टमर के फोन पे ऐड करना है तो हम ऐड नहीं कर सकते, हमें पहले अनबाउंड करना पड़ेगा फिर बाउंड करना पड़ेगा, मतलब मुश्किल है। तो इसके कंपेयर अगर हम बात करें सीपी प्लस की, तो सीपी प्लस में कोई भी चीज करनी काफी इजी है। ऐसा शायद इसलिए कि मैं सीपी प्लस यूज करता हूँ, लेकिन सीपी प्लस के फंक्शन मुझे काफी यूजर फ्रेंडली लगते हैं। मतलब अगर मुझे रिकॉर्डिंग चेक करनी है, मुझे टूर सेटअप ऑन करना है, मतलब उसके एक एक फंक्शन की मैं बात करूँ जो मैंने वीडियो बनाई है, उसके अगर ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन करने के लिए सिंपल तरीके से हम उसको सिर्फ स्कैन करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड एंटर करेंगे और लॉग इन कर लेंगे। सेकेंड फोन पे करना है सेम, मैं दोबारा स्कैन करूंगा, दोबारा से यूजर नेम पासवर्ड डालूंगा और लॉग इन कर लूंगा। उसमें कोई अकाउंट नहीं बनाना मुझे, कोई मेरा ओटीपी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। सिंपली मैं अपने फोन पे अगर मुझे सीरियल नंबर यूजर नेम पासवर्ड पता है तो वो मैं अपना लॉग इन कर सकता हूँ किसी भी फोन पे। अगर कोई दिक्कत चल रही है, आप हिकविजन सिस्टम से मेन मेजर जो डिफरेंस है मुझे लगता है, सपोज मैंने कहीं इंस्टॉल करने गया हुआ, वहां पे इंस्टॉल करते करते मेरे को दिक्कत आ गई, तो मैं क्या करूंगा, मैं कस्टमर के फोन करूंगा। अगर मैं हिकविजन कस्टमर के फोन करता हूँ बहुत ही मुश्किल है मुझे कॉन्टेक्ट करना उनसे, मतलब कोई छोटा सा फॉल्ट है। अब कस्टमर के नई नई साइट लगाई होती है तो हम नहीं सोचाते कि यार कोई टाइम लगे वहां पे, अगर कोई कंप्लेंट आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो हम फटाफट फोन करें, फोन पिक हो वहां से, मुझे जो भी सोल्यूशन है बताएं वो। तो सीपी प्लस में काफी बेनिफिट है कि आपको मॉर्निंग 10 to evening 8 तक आपको पूरी सपोर्ट मिलती है, और आप फोन करो तो फोन पिक होता है, हिकविजन में फोन पिक नहीं होता मैक्सिमम टाइम। उन्होंने हिकविजन में व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किए हुए हैं लेकिन वो भी आपको पूरा सोल्यूशन नहीं देते। तो मैंने दोनों लगाए हुए हैं, डीवीआर हिकविजन लगाया है, सीपी प्लस भी लगाए हुए हैं, तो मैं जो सेटिस्फाई हूँ सीपी प्लस से हूँ। सीपी प्लस का नाम बदनाम बीच में काफी हुआ क्योंकि इन्होंने अपने रेट जो एमआरपी थी वो इतने डाउन कर दिए, मतलब मार्केट में जैसे कि गंद बचाने वाला जियो था मोबाइल इंडस्ट्रीज में, कि जियो ने हर कंपनी की रेट बेच दी, ऐसे ही सीसीटीवी के अंदर सीपी प्लस ने सारी कंपनियों की मार बहन कर दी। इसलिए काफी लोग उससे नाराज थे कि सीपी प्लस ने ओपन एमआरपी कर दी, ऑनलाइन मिल जाता है, ऑनलाइन इतने सस्ते रेट मिल जाते हैं, तो काफी कस्टमर नाराज होते थे कस्टमर से। तो ऐसा दिक्कतें मेरे साथ भी आई थी, ऐसा नहीं मेरे साथ नहीं है कि हाँ अभी मैं लगाने गया जब साइट कंप्लीट हो गई तो कोई दोस्त आया यार ये तो इतना सस्ता मिल रहा है ऑनलाइन, देखो यार इतना सस्ता मिल रहा है, तूने इतना महंगा लगा लिया, देन कस्टमर आर्ग्यूमेंट करता था। तो अब जब अब तो मैं ट्रिक चेंज कर ली है, अब तो मैं सिंपली जाते ही बोलता हूँ सर ऑनलाइन मंगवा लो फिर ठीक में कर दूंगा, नहीं तो बतेरे तरीके हैं कस्टमर को सेटिस्फाई करने के। अगर आप कस्टमर को साफ साफ बता सकते हो, क्योंकि आप अगर थोड़े पैसे फालतू ले रहे हो तो उसके बदले आप सर्विस दे रहे हो, ऑनलाइन वाले सर्विस नहीं दे रहे, तो आपको एक ही ध्यान रखना है कि क्या अगर कैमरा आपको 1100 का पड़ रहा है और आपने रेट दिया हुआ 2000 रुपये, तो 900 रुपये आपकी कमाई नहीं है, आप 900 रुपये के अंदर उसको 2 साल की सर्विस दे रहे हैं, और सर्विस की कॉस्ट आज की डेट में प्रोडक्ट की कॉस्ट से ज़्यादा होती है, कम नहीं होती, सर्विस ज़्यादा महंगी है प्रोडक्ट सस्ता है। तो आप कस्टमर को समझा सको, अगर कस्टमर भी कहीं ना कहीं बिजनेस मैन है या वर्किंग है तो उसको पता होगा कि लेबर कॉस्ट कितनी महंगी है, लेबर को अरेंज करना और सर्विस देना कितना कॉस्टली है, 2 साल के लिए आपको अपने आप को बाउंड करते हैं। तो अगर कस्टमर को आप गाइड करोगे कस्टमर समझ जाते हैं, तो क्लियर बोलो कि ऑनलाइन सस्ता मिलता है लेकिन हमें सर्विस देनी है, हमें वारंटी पीरियड में हो सकता है कि यहाँ से आपके डिवाइस देके ओके लगाना पड़े, वहां से ठीक करके लगानी पड़े, उस चीज के लिए हमें लड़के एम्प्लॉय रखने पड़ते हैं तो उसकी कॉस्ट भी तो पड़ती है। तो सिंपली आप ऑनलाइन से मंगवा लो, आप उनसे फिटिंग करा लो, फिटिंग कराने के बाद आप अपना सिंपली कोई भी कंप्लेंट आएगी 2 साल के अंदर भी कंप्लेंट आएगी वारंटी पीरियड में तो हम आएंगे 250 रुपए लेंगे आपको दे देंगे, आप जाके ओखला जाइए करा के आइए, अगेन हमें 250 रुपए दीजिए हम फिटिंग कर देंगे, तो कस्टमर आपको समझ जाता है। तो दोस्तों सिंपली मेरा जो रिव्यू है जो मुझे लगता है वो सीपी प्लस ज्यादा बेटर है हिकविजन से। क्वालिटी वाइज हो सकता है कि हिकविजन से 1900, लेकिन क्लियरिटी जो उसकी ऑनलाइन परफॉर्मेंस आती है मोबाइल एप्लीकेशन में वो जबरदस्त है, सबसे सिंपल यूजर फ्रेंडली सीपी प्लस है। और मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा कि मुझे कोई सीपी प्लस ने पैसे दिए हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर काफी लोग मुझे फेस करते हैं, मुझ पर फेस करते हैं, तो मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि सर कौन सा सिस्टम लगवाना चाहिए, कौन सा सिस्टम बेटर है। तो सिंपली मैंने आपको रीजन बताया कि मुझे सीपी प्लस क्यों बेटर लगता है, हो सकता है कि आपकी सोच अलग हो सकता है कि आपकी राय अलग हो, तो मैं वो भी जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, आपको हिकविजन बेटर लगता है कि सीपी प्लस बेटर लगता है, क्योंकि दिल्ली से बाहर तो मैक्सिमम हिकविजन चलता है, मतलब हिकविजन की डिमांड है। तो दोस्तों सीपी प्लस के कंपेयर हिकविजन की ज्यादा कमेंट आते हैं मेरे चैनल पे, मतलब मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट अगर मैं कंपेयर करूँ तो 50 वीडियो में सीपी प्लस के तो ऑलमोस्ट 5 या 10 वीडियो ही हिकविजन की है, लेकिन कमेंट ज्यादा हिकविजन के आते हैं।
तो अब मैंने ये प्लानिंग की है कि हिकविजन के रिगार्डिंग काफी सारी वीडियो बनाऊंगा। हिकविजन में एक मेजर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो ये आती है कि ऑनलाइन की दिक्कत आती है हिकविजन में। सेकेंड फोन पे कम अगर आपको अटैच करना है उसकी दिक्कत आती है। लैपटॉप पे अगर आपको ऐड करनी है डिवाइस IBMS 4200 उसकी दिक्कत आती है। तो ऐसे कुछ एक चार पांच टॉपिक हैं, तो हिक कनेक्ट एप्लीकेशन है उसके पीछे बताऊंगा। तो ऐसे पांच छह वीडियो जल्दी आने वाली है मेरी हिकविजन के रिगार्डिंग। तो अगर आप चाहते हैं हिकविजन के रिगार्डिंग में वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कीजिए। सेकेंड अगर आपको मैं अगर आप मुझे मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को सी पी प्लस पसंद है आपको सी पी प्लस पसंद हो, अगर आपको कोई और पसंद है कंपनी तो आप मुझे उसके बारे में बताइए ताकि मैं उसको भी अच्छे चेक कर सकूँ। आप मुझे इसका फर्क बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। दोस्तों आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए और बेल आइकन पे क्लिक करके पाइए नोटिफिकेशन सबसे पहले।